नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आज की वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पर हमेशा की तरह एक बड़ी सी मुस्कान आएगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने देश के बारे में, एक ऐसी चीज जिसके लिए हमारा देश विश्व भर में जाना जाता है। हमारा देश महान है, ये हम सबको मालूम है। विश्व में बहुत से कारणों से हमारा देश जाना जाता है, उनमें से एक कारण हमारा लोकतंत्र भी है। भारत विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय करेंगे। इसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करता है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया गया है। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका लिटिल मिटिल्डा लिंगदो ने उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। बच्चों, मेरी को ये तरीका ठीक नहीं लगा कि पहले उसने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा और अब इस अध्याय में लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रही है। उसके कहने का मतलब ये है कि पहले वाले अध्याय को अब पढ़ना चाहिए था और इस अध्याय को पहले पढ़ना चाहिए था। पर लिंगदो मैडम बोलती हैं कि हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं, लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। बच्चों, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। चलो बच्चों, हम इस बात को ध्यान से समझते हैं। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वह देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, जो कि चिली के संदर्भ में है, उनके जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें ये हक मिला है। बच्चों, इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर बच्चों, इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहा जाना पड़ेगा जो चुनाव कराती हैं, और फिर हमें सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को
सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। चलिए अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। पर बच्चों, इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है, लोकतंत्र में कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों की कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। हम कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करेंगे। अब हम बात करेंगे ऐसी जगहों की जहां पर प्रमुख फैसले लेने का हक किसको था और निर्वाचित नेताओं के हाथ में कौन से फैसले थे। बच्चों, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बच्चों, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। बच्चों, पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है। क्या सच में किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। बच्चों, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि बच्चों, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबलों की। बच्चों,
चीन की संसद को कोंगो, रेमिन, दाई, व्याओ, दाहुई, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, कहा जाता है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प होता ही नहीं था। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। बच्चों, मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता और गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वह चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। इसमें लोकतंत्र में हर व्यस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कानून के राज और अधिकारों के आदर की बात। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू PF दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू PF दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़ाया।
और उसकी जवाबदेही को कम किया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताते हुए शासकों के लिए बार बार जनादेश जिम्बाब्वे का उदाहरण बताते हैं कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है। बच्चों, इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। हमने लोकतंत्र की सरल सी भाषा से बात शुरू की कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि यह चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। और चौथा, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानती हुई काम करती रहे। बच्चों, मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता और गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वह चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। बच्चों, चीन में 1958 से लेकर 1961 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी हो सकती है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल सरकार स्वतंत्र मीडिया होते, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। बच्चों, लोगों की जरूरत के अनुसार आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका
उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। बच्चों, इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार नहीं होता, यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या फिर कौशल नहीं हो सकता। इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच फर्क करने की क्षमता भी पता चल। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। चलिए, मैं आशा करती हूँ आज का ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। आपकी स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग तरह के शब्द और वाक्य दिखेंगे। आपको उनका मिलान कराना है। चिले, नेपाल, पोलैंड, घाना, ये चार देश हैं। अब इनसे जुड़े चार वाक्य हैं। चिले को हम याद रखते हैं उसकी सैनिक तानाशाही की समाप्ति के लिए। घाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आजादी के लिए। पोलैंड, इन्होंने एक दल के शासन का अंत किया। और नेपाल, राजा ने अपने अधिकार छोड़कर यहां पर लोकतंत्र की सहमति दी। मुझे पता है अब आप लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, तो मुझे बताइए कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती? लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत या लोगों की स्वतंत्रता की चाह? बिल्कुल सही, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। आज पहले की किसी दौर से ज्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रहे। इनमें से जो वाक्य सही है वो है कि आज पहले के किसी दौर से ज्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। चलिए अब इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत। चलो
अब इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो, विभिन्न देशों की बातों का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो, देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। बिल्कुल सही उत्तर। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत इसलिए है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो? हो रहा है ना अपने देश पे गर्व? विश्व के जाने माने देशों में लोकतंत्र के नाम पे क्या हो रहा है, वो जानने के बाद भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये कथन बिल्कुल सही है, बड़ा और सबसे अच्छा। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार। लोगों का है ये लोगों के लिए, शासन के लिए यहाँ लोग ही चुने, सबके अधिकारों को जो बचा के रखे, विविधता में भी एकता जो बना के रखे। अपने दिल की बात जहां खुलकर हम कहें, सबके सम्मान में यह डट के जो खड़े, तीनों इसके अंग जब मिलकर ये चलें, असल मायने में यह स्वतंत्र तब बने, सबकी खुशियों का इकलौता है जो मंत्र, सबकी खुशियों का इकलौता है जो मंत्र, हमारे देश की आत्मा है हमारा लोकतंत्र, हमारे देश की आत्मा है हमारा लोकतंत्र।